तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आर्चुर है और आज है मेरे पास ये ई अश्व कंपनी की लोडर मॉडल की गाड़ी। ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है, तो देखते हैं आज पूरा डिटेल्स में कि क्या इस वीडियो इस गाड़ी में दिया गया है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास इस गाड़ी की चाबी, जिसमें कि चार बटन्स दी हुई है। एक ये लॉक की बटन है, ये अनलॉक की बटन है, और इससे हमें बेसिकली कीलेस एंट्री मिल जाती है गाड़ी में। अगर हमें गाड़ी को ढूंढना है तो हम इस बटन से अलार्म एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर, मैं की को लगाता हूँ। तो जैसे ही लगाते हैं तो ये एक एनिमेटेड स्क्रीन मिलती है। तो बेसिकली ये एक बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, तो ये बहुत ही बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अब अगर हम राइट साइड हैंडल में आ जाए तो हमें नॉर्मल लाइट के बटन्स मिल जाते हैं। अपने नीचे एक सेटअप बटन मिल जाती है, आप इसको किसी भी चीज़ में सेटअप कर सकते हैं। ये बेसिकली तीन स्पीड मोड्स है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और हम लेफ्ट साइड हैंडल में आ जाए तो यहाँ पर इंडिकेटर्स के बटन है, अपर डिपर का एक स्विच दिया हुआ है, एक हॉर्न स्विच है। तो ये हो जाती है सामने की बात। अब हम इसके सामने के ओवरव्यू में चले तो हमें एक हैलोजन हेडलैम्प मिलता है। ये LED हेडलैम्प नहीं है, तो बेसिकली इसमें अपर डिपर के बल्ब्स लगे हुए हैं। यहाँ पर एक कैरिंग बैग है, बोल सकते हैं एक स्टील का बैग, जो कि बहुत ही स्टर्डी फील होता है, बहुत ही ड्यूरेबल है। एंड नीचे आते हैं तो हम टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने मिलते हैं। उसके अगर हम व्हील्स की बात करें तो ये एक अलॉय व्हील्स है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। तो ये तो हो जाती है सामने के ओवरव्यू की बात। अगर हम बीच में बात करें तो स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाती है गाड़ी में। आप आराम से यहाँ पर कोई लगेज कैरी कर सकते हैं और फुट रेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये तो हो जाती है रेस्ट की बात। और डिज़ाइन तो बहुत सिंपल सी, अगर आप बिजनेस वर्क में इसे यूज़ करना चाहते हैं तो गाड़ी बहुत आसानी से काम आ जाएगी। और ये एक बोल सकते हैं यहाँ पर आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको बैठना इधर तो आप बैठ सकते हैं, एक आपको रेस्ट मिल जाता है, आपका बैक रेस्ट मिल जाता है। और अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप इसको खोल के और ज़्यादा सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप बेसिकली जैसे यहाँ पर हम रस्सी रस्सी बांधते हैं तो हम वैसा इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं पीछे के ओवरव्यू में। तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक एक हैलोजन लैंप मिल जाता है। एंड यहाँ पर एक यहाँ पर आजू बाजू इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, नीचे एक रेडियम दिया हुआ है। तो बस ये है गाड़ी का पूरा ओवरव्यू। तो अगर अब हम इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें लगी हुई है BLDC, यानी कि ब्रशलेस डायरेक्ट करंट वाटरप्रूफ मोटर, जिसकी लोडिंग कैपेसिटी 300 kg की है। एंड ये पावर होती 60 वोल्ट 28 एम्पियर आवर की लिथियम आयन बैटरी से, जिसके सिंगल चार्ज में आपको इको मोड में 70 किलोमीटर का ड्राइविंग रेंज मिल जाता है। और अगर हम बात करें इस बैटरी के चार्जिंग टाइम की, तो अगर आपकी बैटरी फुल डिस्चार्ज है या 0% में है तो इसे चार्ज होने में 4 घंटे का समय लगता है। और अगर 20-30% आपकी बैटरी चार्ज है ऑलरेडी तो 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। एंड अगर टायर्स की बात करें तो इसमें 90x90 12 इंचेस ट्यूबलेस टायर्स लगे हुए हैं, जिसमें कि फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। तो ब्रेकिंग के डिपार्टमेंट में तो मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आई। एंड अगर हम बात करें इस गाड़ी के सस्पेंशन की, तो क्योंकि आपको फ्रंट और रियर मिला के 6 टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिल जाते हैं, तो आपको सस्पेंशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ये व्हीकल एक बिजनेस क्लास के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा लोड कैरी करते हैं, तो उस डिपार्टमेंट में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलने वाली। और अगर मैं बात करूँ डेली यूज़ में, हम जो भी हॉर्न यूज़ करते हैं एंड अपर डिपर के स्विचेस यूज़ करते हैं, तो उनका एक्सेस काफ़ी इजी है, आपको कोई भी दिक्कत उसमें भी नहीं आने वाली है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस व्हीकल को ख़रीदना चाहते हैं, आप इस व्हीकल में इंटरेस्टेड है, तो मैंने डीलर की पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया हूँ। आप वहाँ जाके सब चीज़ें चेक कर सकते हैं और इधर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप बालाघाट या बालाघाट के आसपास रहते हैं तो आप इस डीलर से बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली ऐसी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।